अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टेक टीवी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम जीबी व्हाट्सएप के जितने भी सेटिंग्स है, जीबी व्हाट्सएप पर जितने भी फीचर्स हैं, यानी हम जीबी व्हाट्सएप के ए टू जेड फीचर्स और ए टू जेड सेटिंग्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपको आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेगी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहली सेटिंग की जानिब, पहली फीचर की जानिब चलते हैं। सो आप देख सकते हैं जीबी व्हाट्सएप के स्क्रीन पर सबसे ऊपर आपको एक वाईफाई के आइकन मिलेगी। इस पर क्लिक करके आप एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट करने के बाद आप अपने जीबी व्हाट्सएप का इंटरनेट पूरी तरह से ऑफ कर सकते हैं। कोई भी आपको मैसेज नहीं कर पाएगा और ना ही आप किसी को मैसेज कर पाएंगे। तो इससे यह फ़ायदा होता है, अगर हम अपने फ़ोन में किसी इंपॉर्टेंट काम को कर रहे हैं तो हम इसको एक्टिवेट करके हम अपने जीबी व्हाट्सएप के इंटरनेट को पूरी तरह से ऑफ कर सकते हैं, हमें कोई मैसेज नहीं कर पाएगा। और फिर यहां से इस पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट करके हम जीबी व्हाट्सएप के इंटरनेट को ऑन भी कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा पहला फ़ीचर। अब चलिए चलते हैं दूसरे फ़ीचर की जानिब। दूसरा फ़ीचर है आपको वहाँ पर वाईफाई वाले आइकन के बगल में आपको एक मून का आइकन दिखाई देगा, यानी चांद जैसा बना हुआ दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके आप यहां से डार्क मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। डार्क मोड से हमें बहुत ही फ़ायदा होता है, हमारी आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगी। तो इसको भी आप डार्क मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं और जब चाहे इसको ब्राइट मोड में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्राइट मोड के लिए वहाँ पर क्लिक करना है, फिर एक्टिवेट कर देना है, फिर से ब्राइट मोड में हो जाएगी। सो ये रहा हमारा दूसरा फीचर। अब चलिए तीसरे फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लस आइकन है, इस पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे एक वॉच का आइकन मिलेगा। इस वॉच वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके जीबी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होंगे सबका नोटिफिकेशन आने लगेगा, सबका ऑनलाइन शो होने लगेगा। आप जीबी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहेंगे तो आपका भी ऑनलाइन शो होगा सभी को, और आप भी सबको ऑनलाइन देख सकते हैं। और फिर इस तरह से इस पर क्लिक करके, वॉच वाले आइकन पर क्लिक करके आप यहां से ऑनलाइन को हाइड भी कर सकते हैं। आप जीबी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहेंगे बट किसी को पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं। सो आप चलिए जानते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो वहां पे वॉच वाले आइकन के ऊपर आपको एक मैसेज का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से न्यू ग्रुप बना सकते हैं, नया ग्रुप बना सकते हैं, जिसको भी ऐड करना चाहते हैं ग्रुप में यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर नीचे में आपको न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से नया कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। सो ये रहा कुछ फीचर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर में हम जाएंगे, यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ जीबी सेटिंग्स पर सबसे ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको सबसे ऊपर यहाँ पे मिलेगा हाइड ऑनलाइन स्टेटस। तो आप यहाँ से भी फ्रीज लास्ट सीन को फ्रीज कर सकते हैं, ऑनलाइन को हाइड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको ऑन रखते हो तो आप जीबी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहोगे बट किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जीबी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो, और ना ही आप किसी को ऑनलाइन देख पाओगे। अगर इसको आप ऑफ़ रखते हो तो जीबी व्हाट्सएप पर जितने भी लोग ऑनलाइन आएंगे आप उनको ऑनलाइन देख सकते हो और आपको भी लोग ऑनलाइन देख पाएंगे। तो इससे यह फ़ायदा होता है, हम ऑनलाइन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल फॉरवर्डेड। यहाँ से अगर इसको आप ऑन रखते हो तो कोई भी फ़ोटो वगैरह किसी के पास शेयर करोगे तो वहाँ पे फॉरवर्डेड नहीं लिखा रहेगा। आप किसी भी नॉर्मल व्हाट्सएप पे अगर किसी भी फ़ोटो वगैरह को शेयर करते हो, कोई भी शेयर करता है, तो वहाँ पे फॉरवर्डेड लिखा रहता है, बट इसको इनेबल करने के बाद वहाँ पर फॉरवर्डेड नहीं लिखेगा। और यहाँ पर ऑप्शन है एंटी डिलीट मैसेज, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो कोई भी मैसेज करके जीबी व्हाट्सएप पर डिलीट भी कर देगा तो भी आप डिलीट किए हुए मैसेज को भी आसानी से देख सकते हो, वो मैसेज गायब नहीं होता है। तो इससे यह फ़ायदा होता है।
और एक यहाँ पर ऑप्शन है शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई। तो अगर आप इसको ऑन रखते हो तो आपको कोई मैसेज करेगा, जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे तो ब्लू टिक नहीं होगा। तो इससे यह फ़ायदा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड व्यू स्टेटस, हाइड व्यू स्टेटस अगर आप इसको ऑन रखते हो, किसी का भी स्टेटस देखोगे उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसके स्टेटस को सीन किया है। तो इससे यह फ़ायदा होता है, किसी को भी आप चौंका सकते हो। और यहाँ पर एक सेटिंग है एंटी डिलीट स्टेटस, अगर आप इसको इनेबल करते हो, इसको ऑन रखते हो, तो किसी का भी डिलीट किया हुआ स्टेटस देख सकते हो। कभी कभी कोई गलती से कोई भी स्टेटस लगा देता है फिर डिलीट कर देता है, तो उस स्टेटस को भी आप देख सकते हो, इससे ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पर है सिक्योरिटी व्हाट्सएप लॉक, तो इसको आप ऑन करके फिंगरप्रिंट, पैटर्न, पिन कोई भी यहाँ पे व्हाट्सएप लॉक लगा सकते हो, और यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। रिकवरी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बाद में अगर आप अपने पैटर्न भूल जाते हो, पासवर्ड भूल जाते हो, तो जो भी क्वेश्चन आप डालोगे उसका आंसर देकर आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो ये रहे कुछ सेटिंग्स। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में, नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑनलाइन को हाइड कर देता हूँ ताकि किसी को पता नहीं चले कि मैं ऑनलाइन हूँ अभी। सो मैं फिर से यहाँ से शुरू से बता देता हूँ। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ जीबी सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जीबी सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जाना है, आपको दिखाई देगा यूनिवर्सल, तो यहाँ यूनिवर्सल पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर स्टाइल लुक एंड फील, तो यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप लॉन्चर आइकन को चेंज कर सकते हैं, जीबी व्हाट्सएप का कोई भी लॉन्चर आइकन कलर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा अपने मनपसंद से। तो ये रहा। और यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसा फॉन्ट आप लगाना चाहते हैं, कैसा टाइपिंग आप करना चाहते हैं अपने जीबी व्हाट्सएप पर, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप नोटिफिकेशन आइकन को भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आपके जीबी व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आएगा तो कैसा शो होगा, आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं। ये रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको जीबी व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजे या वीडियो भेजे और वो फ़ोटो वीडियोस आपकी गैलरी में ना जाए, फ़ोन की गैलरी में ना जाए, तो आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके व्हाट्सएप पर जितने भी फ़ोटोज़ आए होंगे तो आपके सारे फ़ोटो आपकी फ़ोन की गैलरी से गायब हो जाएंगे इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। अगर आप वीडियो को अपने फ़ोन की गैलरी से छुपाना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसको ऑन कर देना है। GIFs को हाइड करना चाहते हैं अपने फ़ोन की गैलरी से तो इसको ऑन कर देना है। ये सारे ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपके जीबी व्हाट्सएप पर कोई भी फ़ोटो वीडियोस वगैरह भेजेगा आपकी फ़ोन की गैलरी में नहीं जाएगी, आपके फ़ोन से वो गायब हो जाएगा, फ़ोन की गैलरी से वो गायब हो जाएगा। तो इसे ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पर सबसे नीचे है सेटिंग्स, तो यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐप लैंग्वेज है, यहाँ पे ऐप लैंग्वेज में आप इंग्लिश कर सकते हैं, अरबिक कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीबी व्हाट्सएप पर हर वक्त, अगर आप चाहते हैं कि जीबी व्हाट्सएप पर हर वक्त ऑनलाइन शो हो तो आपको यहां से इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको जीबी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हर वक्त दिखाया जाएगा। और यहां पर एक ऑप्शन है इमेज वीडियो मोड्स, तो यहां पे आप सेंड इमेजेस इन फुल रेजुलेशन, आपको यहाँ पर फुल इसको रखना है। जब आप जीबी व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐसे बीच में रहता है, इसको फुल कर देना है। जब भी आप फोटोज़ वीडियोस वगैरह भेजेंगे किसी को तो वो फुल रेजुलेशन यानी हाई क्वालिटी में जाएगी, तो इससे ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है डिसेबल इमेज शेयर लिमिट, तो
तो यहाँ पे एक लिमिट होता है WhatsApp पर कि आप 10 इमेज फाइल सेंड कर सकते हैं एक बार में। तो यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है, आप मन चाहे आप जितना चाहे उतना भेज सकते हैं किसी को भी अनलिमिटेड फ़ोटोज़। तो इससे ये फ़ायदा होता है। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन नहीं रहना है। तो ये हो गया कुछ फ़ीचर्स। अब बात करते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर। यहाँ पे होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन हेडर पर क्लिक कर देना है। हेडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज। तो हमने पहले से इसको इनेबल करके रखा है इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज, तो इसको आप भी ऑन कर लेना। फिर आपके जीबी व्हाट्सएप पर भी इंस्टाग्राम जैसा आपका स्टेटस जो भी लोग लगाएंगे इंस्टाग्राम स्टोरी जैसा दिखाई देगा। और यहाँ पर है सेपरेट चैट्स ग्रुप्स, तो इसको इनेबल किया है हमने। तो ये आपके चैट्स और ग्रुप्स सब अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही आसानी होता है मैसेज वगैरह देखने में और सेंड करने में। और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट माई नेम, अगर आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ ऊपर में जीबी व्हाट्सएप की जगह पे आपका नाम आ जाएगा। तो इससे ये फ़ायदे होते हैं। मैं आपको वो सेटिंग बताऊंगा जो भी ज़रूरी के हैं, जो भी ज़रूरियात के सेटिंग्स हैं, जो काम आते हैं डेली, वही सब सेटिंग बताऊंगा, बाकी का फालतू सेटिंग नहीं बताऊंगा। सो ये सारे सेटिंग्स जो भी मैंने बताया, ये सारे सेटिंग्स आपके व्हाट्सएप पर जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सब पर काम करेगा। बट अगर आप इंडिविजुअली किसी के साथ सेटिंग करना चाहते हैं कि उसका डिलीटेड मैसेज कैसे देखे, ब्लू टिक को कैसे हाइड करे और व्यू स्टेटस कैसे हाइड करें, तो उसके लिए आपको उसके चैट में जाना होगा। जैसे हम यहाँ पे उसके किसी के चैट में जाते हैं, यहाँ पर इसके चैट में गए और फिर यहाँ इसके नाम पर क्लिक करेंगे। नाम पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है कस्टम प्राइवेसी, यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो यहाँ से इस तरह से इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर यहाँ पर है सबसे ऊपर हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकंड टिक्स, हाइड ब्लू माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग, हाइड रिकॉर्डिंग, हाइड व्यू स्टेटस, एंटी डिलीट मैसेजेस। तो यहाँ पे जो भी आप क्लिक करेंगे यहाँ से वो चीज़ें हाइड हो जाएंगी। हाइड ब्लू टिक्स करेंगे तो ब्लू टिक हाइड हो जाएगा, आपको वो मैसेज करेगा तो उसको ब्लू टिक दिखाई नहीं देगा। हाइड सेकंड टिक, अगर आपको वो मैसेज करता है तो आप उसको सेकंड टिक भी दिखाई नहीं देगा। हाइड टाइपिंग, यहाँ से टाइपिंग को भी हाइड कर सकते हैं, हाइड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, हाइड व्यू स्टेटस भी कर सकते हैं। उसको उसका स्टेटस आप देखेंगे बट उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसके स्टेटस को देखा है। उसके डिलीटेड किए हुए मैसेज को भी देख सकते हैं अगर वो डिलीट करेगा तो यहाँ से ओके कर देना है क्लिक करके जो भी आप लगाना चाहते हो। और यहाँ पर है नो कॉल्स, अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये आपको कॉल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर है मीडिया विजिबिलिटी, इस पर क्लिक करके अगर आप चाहते हो कि जो भी ये फ़ोटो वीडियोस भेजे आपकी फ़ोन की गैलरी में ना जाए तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। कोई भी फ़ोटो वीडियोस वगैरह आपकी फ़ोन की गैलरी में नहीं जाएगी। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने जीबी व्हाट्सएप पर प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इमोजी भी लगा सकते हैं, प्रोफाइल में कोई भी इमोजी वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये नए फीचर्स ऐड किए गए हैं कुछ जीबी व्हाट्सएप पर। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप अपडेट कर लेंगे जीबी व्हाट्सएप को, तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये रहा। और आप यहाँ से अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ से प्राइवेसी लगा सकते हैं प्रोफाइल पे, लास्ट सीन, प्रोफाइल फ़ोटो। अगर आप किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल फ़ोटो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है माय कॉन्टैक्ट्स, अगर आप माय कॉन्टैक्ट्स रखते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं वो आपके फ़ोटो को देख पाएंगे। अगर आप एवरीवन करते हैं तो कोई भी आपके फ़ोटो को देख पाएगा, प्रोफाइल फ़ोटो को। और यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ से जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो आपके फ़ोटो को नहीं देख पाएगा। यहाँ से नोबडी करेंगे तो कोई भी आपके प्रोफाइल फ़ोटो को नहीं देख पाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अबाउट में एवरीवन करेंगे तो कोई भी देख लेगा। माई कॉन्टैक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट के लोग देखेंगे,
ठीक उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं, स्टेटस में भी कर सकते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो कर सकते हैं, अबाउट को भी कर सकते हैं। और ग्रुप्स, यहाँ पर ग्रुप्स है, अगर आप ग्रुप्स में एवरीवन करेंगे तो कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। माई कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट के लोग किसी भी ग्रुप में आपको ऐड कर सकते हैं। अगर आप माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट करेंगे तो जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे ये सभी बंदे आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे। ये फीचर बहुत ही कमाल के है। और यहाँ से आप डिलीट माई अकाउंट, अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आप चेंज नंबर, नंबर को चेंज कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके मैसेज नंबर का ऑप्शन मिलेगा। मैसेज नंबर पर क्लिक करके आपको किसी का भी नंबर सेव नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके किसी न्यू नंबर पर मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ नंबर डालना है, कंट्री कोड के साथ में नंबर डालना है और मैसेज कर देना है, नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। तो नेक्स्ट सेटिंग में हम जानेंगे कि जीबी व्हाट्सएप पर किसी चैट को कैसे हैड किया जाता है। जैसे किसी चैट को हैड करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करके यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हाइड चैट। तो यहाँ पे हाइड चैट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना पैटर्न डाल देना है। पैटर्न डालने के बाद वो चैट यहाँ से गायब हो जाएगी, वो चैट हाइड हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। और उस चैट को देखने के लिए हमें यहाँ पे व्हाट्सअप लिखा होगा, जीबी व्हाट्सअप, तो हमने यहाँ पे अपना नाम किया है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो चैट दिखाई देगी, यहाँ से इसको अनलॉक कर देना है, फिर वो चैट हमें मिल जाएगी। अब इस चैट को अगर बाहर करना है, अनहाइड करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ आई वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, ये चैट बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से आप चैट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। नेक्स्ट सेटिंग में हम जानेंगे स्टेटस के बारे में। तो स्टेटस पर हम यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, स्टेटस प्राइवेसी लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके अगर आप माय कॉन्टैक्ट्स करते हैं तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में होंगे, अगर आप स्टेटस लगाएंगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वाले आपके स्टेटस को सीन कर लेंगे, आपके स्टेटस को देख लेंगे। अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट करते हैं तो आप यहाँ से किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर लेना। अगर इसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ये बंदे आपके स्टेटस को ना देखे, तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर ओके कर देना है। तो आप स्टेटस लगाएंगे तो आपके स्टेटस को ये बंदे नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पे तीसरा सेटिंग है ओनली शेयर विथ, आप जिसके साथ में शेयर करेंगे उसको ही आपका स्टेटस दिखाई देगा। जिस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप स्टेटस लगाएंगे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका स्टेटस दिखाई देगा। सो हमने आज इस वीडियो में सारे ए टू जेड फीचर्स जितने भी हैं जीबी व्हाट्सएप पर, जितने भी ए टू जेड सेटिंग्स हैं सबके बारे में हमने लगभग सीख चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है हमने उसके बारे में बता दिया है। मुझे उम्मीद है मैंने सारे सेटिंग्स बता दिए। जीबी व्हाट्सएप पर जितने भी ए टू जेड सेटिंग्स है, ए टू जेड फीचर्स है, सभी के बारे में लगभग मैंने बता दिया। जो भी ज़रूरियात की सेटिंग्स है सभी सेटिंग्स मैंने बता दिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, सो एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।